हेलो फ्रेंड, तकलीर पांडे शो 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 से सीज पे रिएक्शन दे रहे हैं। लास्ट का सीन गजब था दोस्तों। लाइक ऐसा है कि अभी केजीएफ ऐसा लग रहा है नीचे गिर गया है, उसके यश के कब्जे में नहीं है। अब ऐसा लग रहा है रॉकी के एम्पायर ऐसा लग रहा है कि अब टूटने ही वाला है, क्योंकि उनके जो भी रॉकी के थे साथी फ्रेंड्स, उनको वो स्वामी जो बॉम्बे वाला, वो बोला बुला के बहुत लोग को मारा है वहां पे। प्लस वो वहां के थे, हाँ, जो भी माने सपोर्टर्स जो भी इसके, उसको वो मार रहा है और भी अलग अलग जगह मार रहा है। प्लस अधीरा एक आउटपोस्ट वन में है ही पहले से, वहां पे इनको क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा था। और सबको डर बैठ गया ना अंदर में, जो केजीएफ के अंदर है सबको अधीरा का डर बैठ गया है कि वो आ गया है, अब तो खतरनाक होने वाला है पूरा। एंड ऊपर से ये ऑलमोस्ट मरने जैसा ही, एक तरह से बचेगा नहीं बचेगा, बचिया जैसे तरह से, एंड वैसा सीन है। तो दोस्तों, अब जो सीन हम देखने वाले हैं वो है केजीएफ चैप्टर 2 का इंटरवल सीन। मेरे सबसे जबरदस्त इंटरवल, ऐसा मूवी का इंटरवल सीन जबरदस्त होता है। टर्न ट्विस्ट और या तो कुछ मास सीन के साथ ही आता ही आता है। दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, केजीएफ चैप्टर 2 का जो इंटरवल सीन है ये देखते और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। ये भी नहीं मान रही थे। क्या कर रहे हो तुम लोग? इधर आओ। शेर ऐसे शिकार नहीं करता। शेर कैसे? शेर झाड़ियों में बिना आवाज किए छुप कर शिकार का इंतजार करता है। शिकार के नजदीक आते ही कर उसका गला दबोच लेता है। गला दबाते ही हाथ पैर दिमाग कुछ काम नहीं करता, उसका दम कुछ लोगों को समंदर के तूफान में तैरने पर ही सुकून मिलता है। नकाब पहन के घूम रहे हो, गलत सोच रहे हो तुम। रॉकी कहीं नहीं भागा। मतलब शेट्टी को मारने क्या है? दूसरे शहर जाकर वहाँ के गुंडों को मारने वाले तुम, तुम्हारे शहर आने वाले गुंडों को छोड़ोगे? शेट्टी को मारने का तो कोई और आएगा। क्यों आए हो यहाँ? इसीलिए तो इनायत खलील के यहाँ गया। रॉकी को आपके पास लेके आ रहे हैं। लेके आ रहे हो? पूरा है लेकर आने दो से। वो मिडिल ईस्ट का यह रीजन है, यूएई।
सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क में हर मजहब की इज्जत करना सिखाते हैं। मेरे शहर में मेरे ही होटल के सारे कमरे बुक करके मेरे ध्यान हासिल करने का तरीका बहुत खूब लगा तुम्हारा। बड़ा सफर करके आया हूँ, मरने के लिए आपको बिजनेस देने आया हूँ। कारोबार? कौन सा कारोबार? अफ्रीका से आपका सोना दुबई आता है, दुबई से इंडिया जाता है। डबल रिस्क, मैं डायरेक्ट अफ्रीका से डिलीवरी लूंगा, पूरा रिस्क मेरा, जितना दोगे उतना लूंगा। डील? पेशकश तो बहुत अच्छी है, लेकिन वक्त निकल गया, पहले आते तो शायद मंजूर कर लेता। एक तरफ सरकार गिर गया। What next sir? Next, Rabika Sen will take oath as next Prime Minister of India and KGF will end. और दूसरी तरफ वो KGF की ओर जा रहा है। नहीं नहीं ऐसे तुमने दिखाने में नाइट ही नहीं आ रहा था, बस मजा आर्मी लेके आता थे। और तुम गुस्से की तरफ भागा है, अब क्या है तुम्हारे पास? सब कुछ तो हार चुके हो, कम से कम कुछ दोस्त तो बना लेते। मैंने बनाया है हिंदुस्तान भर में। ये लो के दोस्त। अच्छा वो अपना दोस्त के बारे में दिखा रखा कहाँ है? उसका गैंग अनिल का था मंगलो। अब उन्हें क्या जवाब दूंगा? मैं क्या जवाब दूंगा चाचा? मेरे लिए बोल रहे क्या चाहिए थे तेरे को? ये गन कौन सी है? अब भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था। दुनिया बम्बई हाथ में लेने की जब सोची तभी गड्ढा खोद के एक एक की कब्र बना दी थी मैंने। नाम लिखवा दिया है, डेट डलवा दो चाचा। टाइम आ गया, बच्चों लोग को मिठाई करे तो उसके बाद भी लो। तो प्लान क्या है? कुछ ही था ना। अबे बाजू में किसको रोक रहा है? क्या नाम है इसका? कैलाश टिकाओ। कैलाश कैलाश AK-47 का जो ये है ना इन्वेंटर, AK-47 का नाम कैलाश निकोल ही है। उस टाइम का था, सबसे पहली बार आया हुआ तब का दिखा रहा हूँ। 80s का कैलाश निकोल। उसी का इनायत करी का तो आज उसको अच्छे पानी से ट्रैप किया देखो। उसका क्या ही खत्म कर दिया। बोला था ना उनको क्या जवाब दूंगा मैं। भारतीय
प्लान करके गया था पूरे। शेट्टी भाई, सब कुछ खत्म हो गया। कलाश निकाल। पता नहीं वो कहाँ पे, लेकिन अगला बार राम पे ही होगा। पता नहीं वो कहाँ पे। खून से लिखी हुई कहानी है। खून तो मालूम है, लेकिन स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ाना है और तो फिर से खून ही मांगेगी। आगे आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी। वाह, दोस्त दिलाए कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। भाई साहब बिजनेस करेंगे। ऑफर क्लोजेस सून। अरे ये तो दिखाता था ना। तो माइंड रेड पे दिखा रहा देख, माइंड एक्चुअली माइंड। जब जमाना पहले तो प्लानिंग था, वो बेड पे बैठे बैठे पूरा प्लानिंग करके जो हमको नहीं दिखाया था कि वो टेलीफोन में जो बात कर रहा है, अब समझ आ रहा है। वो पहले से प्लान कर लेते, हिनाल खलील से मिलने से पहले ही उसका आदमी मेरे को ट्रैप कर चुका है पहले। सबको मरवा दिया। मस्त था यार सीन, जो डायलॉग उनका बीच में मस्त। फिर से उसको बोलता है ना कि मैंने इतना दिन में तू गलती किया, कुछ भी दोस्त नहीं बनाया, यार नहीं बनाया, मैं कितना बनाया देख ऐसा। दोस्ती मेरी दोस्ती जैसा क्या, यार नहीं मेरे दुश्मनी कर ले ऐसा कोई तलवार नहीं है। सुन नहीं तो जाना, वही सही था। कलश निकाल भी मिल चुका है, अभी देखना है कि अब इंटरवल के बाद क्या क्या सीन देखने मिलेगा। तो ये दोनों मिल गए हैं, ये दोनों मिल गए हैं, अब देखना कि और शायद मिलके शायद, क्योंकि मुझे लगता है अधेरा पे ही वो लोग जाने वाले, क्योंकि अधेरा बोले तो आ रहा है ना, टुवर्ड्स वो एंटर कर रहा है, तो ये मुझे लगता है कुछ प्लानिंग इससे रिलेटेड ही होने वाला है। मजा आया दोस्तों, इंटरवल सीन बड़ी मस्त था, बहुत अच्छा प्लानिंग था रॉकी का, जो दुनिया आज भी उसको दुनिया ही चाहिए, जो प्लानिंग किया था मस्त था। और कलाश्निकोव बहुत सालों बाद ऐसा वर्ड सब सुनने मिला है, नहीं तो नॉर्मली AK-47 वो सब भी बोला जाता था, तो पूरा एक तरह से उसका स्टार्टिंग का पुराना टाइम दिखाया जाता है, 80s का दिखा रहा ना वो टाइम में, तो अच्छा लगा दोस्तों ये सीन, पूरा वन ऑफ द बेस्ट सीन था। ये सीन दिखाया भी जाता था कभी कभी वो ग्लिम्स या टीजर में, ऐसा ऑफर क्लोजेस सुन वाला, जैसे बात करते बात करने का, इसमें पंचायत बड़ी मस्त मस्त है पूरा। तो ठीक है दोस्तों, इंटरवल सीन तो बहुत मजा आया, अब इगरली वेट रहे हैं कि पोस्ट इंटरवल सीन हमको क्या क्या देखने मिल सकता है और स्टोरी में। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय।